साथ में लगी हुई थी इसके। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे उसका थोड़ा पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, आपको याद होगा एक स्फीयर और एक स्फीयर पे एक बॉल नीचे आ रही है तो स्फीयर पीछे जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। फिर बोट एंड मैन वाली प्रॉब्लम थी। मैं चाहता हूँ एक बार इसको फाइनल, इसका जो सॉल्यूशन है एक बार फिर से नोट करो, मतलब फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ कंफ्यूजन थी मोमेंटम कंजर्वेशन। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसे ठीक करूंगा, तो प्लीज इसे एक बार नोट करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके अंदर सपोज ये मैन, ये बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, मैन का मास m1, बोट का m2। ठीक, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। देखो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने स्केलर में लिखा। मैं आपको अब थोड़ा वेक्टर में इसके इसका प्रूफ बताता हूँ कि वेक्टर से कैसे प्रूफ होगा। तो फॉर एग्जांपल आप साइड पे एक नोट लिख लो चाहे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, वेक्टर फॉर्म में ऐसे करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। velocity of man with respect to boat can be written as under root of velocity of man ka square plus velocity of boat ka square minus hai, subtraction of vector hai, minus 2 into velocity of man into velocity of boat into cos of angle between them is 180, kyunki man aage ja raha hai to boat piche aa rahi hai, cos 180 kya hota hai minus 1, to velocity of man with respect to boat ka jo magnitude aayega wo velocity of man velocity of boat ka whole स्क्वायर प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो लास्ट टाइम ये वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि अगर मान लो बोट पीछे जा रही है और मैन आगे जा रहा है तो आंसर में प्लस आना चाहिए, तो देखो आंसर में प्लस ही आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बोट, उनको यही लगेगा कि वो उनकी स्पीड नॉर्मल से बढ़ गई, लेकिन मेरे को तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल वर्ड में ये समझ लो कि मैन जो है वो क्लेम कर रहा है कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू बोट। अब उसको उसकी स्पीड ना ज़्यादा ही नजर आएगी, क्यों? क्योंकि बोट चल रही है पीछे, वो चल रहा है आगे, जैसे उसकी स्पीड है 10
और मान लो बोट चल रही है वन के साथ, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी ना स्पीड बहुत तेज हो गई, जबकि उसकी अपनी स्पीड तो सिर्फ 9 है। तो 9 अपनी स्पीड है, एक बोट की स्पीड है, तो उसको लग रहा है कि मेरी स्पीड कितनी हो गई, 10। तो अगर मैं उल्टा पूछूं कि उसको लग रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है, 10, और बोट चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 1, तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, 9। समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है एक्चुअल में वेक्टर्स से? तो इसीलिए जब हम वो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मैं एक बार फिर से करके दिखा दूंगा उस क्वेश्चन को, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी में से क्या माइनस कर रहे थे, बॉडी की स्पीड को माइनस कर रहे थे ताकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में आ जाए, ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू मैन और वो वेलोसिटी ऑफ बोट, तो यहाँ से इसको हम ये रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं ऐसे। लेकिन इसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है तो वो करने की जरूरत नहीं है उसे समझाने के लिए। अगर आपको इसमें एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है इसकी, मैन की, तो इसको लग रहा है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बोट चल रही है। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, वो इस केस में जो अपनी स्पीड जो लग रहा है उसमें से बोट की स्पीड को माइनस करेगा तो उसकी अपनी स्पीड आ जाएगी। अगर सर फिर वही सारी प्रॉब्लम तो वहीं पर आ गई, वेक्टर में होते और सारा लेक्चर तो फिर वापस रिपीट हो जाएगा। वेक्टर में हैं, वेक्टर में तो चल रहे हैं, मैंने वेक्टर से भी करके दिखा दिया तो भी आंसर सेम है। मैंने वेक्टर से करके दिखाया, इसमें उस दिन यही तो करके नहीं दिखाया था, तो मैंने वेक्टर से करके दिखाया तो भी आंसर सेम है। मैंने बिना वेक्टर से लॉजिकली बता दिया तो भी आंसर सेम है। आपको जो पसंद है वो फॉलो कर लो, अगर आपको लॉजिकली नहीं पसंद वेक्टर से करना है तो फिर ये मेथड है, ये रहा वेक्टर से, ठीक है? तो इट मींस क्या हम इसमें ये बोल सकते हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो आज के बाद अगर एक न्यूमेरिकल के अंदर मैन की रिलेटिव स्पीड गिवन हो और बोट भी चल रही हो पीछे की तरफ, तो उसकी एब्सोल्यूट स्पीड निकालने के लिए जो उसको लगता है वो तो ठीक नहीं लगता, वो तो गलत ही लगता है, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, माइनस। पहला पॉइंट क्लियर है? अब लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहां लिखो, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन चलने से पहले और चलने के बाद फाइनल मोमेंटम विल रिमेन सेम, ठीक? जब हम इसमें ऐसे लगाते हैं m1 into velocity of जो है m1 किसका मास है, मैन का, इज इक्वल टू m2 into velocity of boat। याद रखना, जब मैं यहां पर क्या लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं यहां पर एब्सोल्यूट वेलोसिटीज लूंगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन अंडरस्टूड है क्या, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन एब्सोल्यूट है, इसमें कौन सा रिलेटिव है? तो फिर आपने याद रखना है, आपने यहां m1 m2 ही लेना है, ठीक हो गया? आपने m1 m2 लेना है, जैसे m1 मेरे इस न्यूमेरिकल में, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी में आप क्या करोगे, मैन की वेलोसिटी में आप क्या पुट कर दोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट में से क्या माइनस करोगे, बोट की वेलोसिटी, मस्ट बी इक्वल टू m2 into क्या करोगे, बोट की वेलोसिटी। ये हो रहा था उस दिन, ऐसे कर रहे थे हम, ठीक है यहां तक? क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई, तो मतलब ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा ना, या तो ये रूल लगेगा या ये रूल लगेगा। ये तब लगेगा जब क्वेश्चन के अंदर दोनों की एब्सोल्यूट वेलोसिटीज गिवन है, ये तब लगेगा, या एक ही बात है, इसको मॉडिफाई तो किया है, अगर एक की रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है तो फिर यहां इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्म में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये लग जाएगा। अगर ये भी नहीं लगेगा तो इसको और ओपन करते हैं, तो यू विल गेट m1 into वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, m1 into वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू m2 into वेलोसिटी ऑफ बोट, दैट इज m1 into वेलोसिटी ऑफ m ऑफ b इज इक्वल टू m1 plus m2 into कितना, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो फिर ये रिजल्ट लग जाएगा जैसे हम क्लास में लगाते थे, यानी कि अगर आप ये रिजल्ट लगा रहे हो ना कि मैन चल पड़ा और बोट पीछे गई और मैन को साथ लेके आई, तो इसमें से ये कौन सी वेलोसिटी होगी बोट की, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, बस ये मोर देन सफिशिएंट है, यहां से सारी चीजें क्लियर है, ठीक है यहां तक? तो बड़ा सिंपल, अब बड़े सिंपल एंड में रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो एंड में रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि अगर हम m1 m2 लगा रहे हैं, m1 plus m2 नहीं लगा रहे,
फिर तो एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं। लेकिन अगर हम m1 प्लस m2 लगा रहे तो ये मैन की रिलेटिव है, बस बस ये रूल याद रखना है, बाकी सब क्लियर है, ठीक हो गया। तो शीट मैंने अभी आपको एक दी है, एक बंडल सबको मिल गया, और कहाँ गया वो बंडल, कहाँ है अभी, अभी पास हुआ था वो बंडल असाइनमेंट्स का, पीछे दिया था यहाँ, बस खत्म हो गया इसमें एक्स्ट्रा। मिल गई एक्स्ट्रा है, अच्छा पीछे भेज दो एंड में। देखो इस ऑब्जेक्टिव शीट को ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 14। मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार फिर से करें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा अब क्लियर हो। कोई बात नहीं, रख लो क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट नंबर 14 को स्टार्ट करो, ये आज का काम है। असाइनमेंट नंबर 14 सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है और रिलेटिव मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, पर दो ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, या मोमेंटम कंजर्वेशन या सेंटर ऑफ मास। तो एक बार स्टार्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, किया था लास्ट टाइम हमने, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस रूल के अप्लाई करके आप एक बार उसे फिर से अप्लाई करो।
तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम भी किया था, जिसके अंदर एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर ये एक स्मॉल पॉइंट है और ये नीचे 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 आ रहा है, सच दैट जब ये किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर आ गया, जब ये किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर आया, तो लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वी ऑफ आर है, ऐसा डिस्कस किया था हमने, वी ऑफ आर है, एंड सच दैट ये जो एंगल था, ये मैंने कितना लिया था चेक करो, थीटा लिया था, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया था, थीटा हो गया था, तो ये भी कितना हो गया था, थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा, ठीक। तो वी आर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, वी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा और एक वी आर इंटू साइन ऑफ थीटा, और लेट अस सपोज ये हेमिस्फेयर पीछे जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर की। ऐसा क्यों किया रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब एंगल थीटा हो जाएगा तो आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर, तो वी विल अप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, आर इज द रेडियस, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो हमें ये जो पार्टिकल घूमता हुआ नजर आ रहा है सर्कल में, तो हमें ओमेगा निकालना है, तो हमें जो वेलोसिटी लेनी है वो पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर लेनी है, तो यहां से आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वी आर। मैंने बताया था कि जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये हेमिस्फीयर पीछे जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कितना है इसका, जो हेमिस्फीयर है इसका मास 4m है, पार्टिकल का कितना है m है, तो हेमिस्फीयर के लिए तो ये चीज़ क्लियर है, हेमिस्फीयर बोट की तरह काम कर रहा है और पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की आगे की वेलोसिटी कितनी है, वी आर कॉस थीटा, लेकिन देखो मैंने यहाँ पर m ही पुट किया है, ये इसका पार्टिकल का मास है और ये हेमिस्फीयर का मास है, तो यानी कि यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटीज आएंगी, ये तो एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, हेमिस्फीयर की वेलोसिटी, ताकि ये क्या बन जाए अब, एब्सोल्यूट। अभी रूल बताया था, सेम ही रूल था अभी, ठीक है यहाँ तक, तो अगर अब वो मिस किया ना आपने जो मिटाया मैंने, तो इसमें मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पर मास m1 है, ये m2 है, तो ये जो वेलोसिटी है ये v1 है और ये v2 है, v1 का मतलब है कि हेमिस्फीयर की वेलोसिटी और v2 का मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ वी ऑफ आर आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 5m डिवाइडेड बाई कितना, कॉस थीटा, जिसको उठा के आप यहाँ पुट करोगे और किसकी वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी। मतलब मेन रूल ये था जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि कैसा आया, आप समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है। 5 नहीं आ रहा, अच्छा 5v आ रहा है, सॉरी 5v, ओके ठीक है, यहाँ तक तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो इसमें जो नेक्स्ट हमने कर लिया था ये नहीं करना, उससे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करना है अब आपने, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा था ताकि आपको एक बार रूल समझ में आ जाए, तो थर्ड क्वेश्चन देखो जरा कैसे करना है। सेकंड का लास्ट टाइम किया था हमने, बी आ रहा है, बी नहीं है सेकंड का, बी है, लास्ट टाइम नहीं किया था हमने ये, अच्छा फिर सेकंड कर लो, चलो करो करो फिर सेकंड करो, फिर सारी करो, असाइनमेंट करने दो, फिर सीक्वेंस में चलने दो, भूल ही गए होंगे वैसे भी अब तक, करो चलो नेक्स्ट सेकंड। बस ये बता दो ये इनइलास्टिक कोलिजन है ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ रेस्टिट्यूशन लगेगा,
तो पहली इक्वेशन क्या बनाई, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू पार्टिकल m1 मूव विद द वेलोसिटी ऑफ v, v इज इक्वल टू कितना m1 इनटू v1 प्लस m2 इनटू v2, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई। और सेकंड इक्वेशन क्या बनाई, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, तो u2 स्टेशनरी है, जीरो है, और u1 की वैल्यू कितनी है u, तो v, चलो v लगा लो यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई कितना V, इसका डायग्राम बना, डायग्राम बना लो, चाहे M1 इनिशियली V के साथ मूव कर रहे और M2 किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन M1 की वेलोसिटी कितनी है, V1 है, और M2 की वेलोसिटी कितनी है, V2 है, तो ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आ रही है कोई V M1 माइनस E इनटू कितना M2 डिवाइडेड बाय कितना M1 प्लस M2। आप चाहते हो कि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन शुड रिमेन सेम, राइट की तरफ सेम रहे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो टर्म है दैट इज M1 माइनस E इनटू M2 इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव टर्म होगी तो V1 पॉजिटिव आगे की तरफ बॉल चलेंगी, तो पीछे नहीं आएगी, रीबाउंड नहीं हो रहा ना इस केस में, तो रीबाउंड अगर हो रहा होता तो V1 नेगेटिव है, अगर नहीं हो रहा तो V1 पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में M1 शुड बी ग्रेटर देन E टाइम्स M2 या E लेस देन M1 बाय M2। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि M1 बाय M2 शुड बी ग्रेटर देन क्या, तो शुड बी ग्रेटर देन E, बी ऑप्शन मार्क करना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लॉक 2 के जी विद अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1.1 मीटर रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, देखना इक्वल टू है कि प्लस लिखा हुआ गलती से, इक्वल टू करो, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड मास स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 के जी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉइंट ए, तो आपको ये बताना है कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन सिलेंडर रीचेज द बॉटम ऑफ द ट्रैक बी विल बी इक्वल टू व्हाट।
अच्छा रूट, इसका आंसर फिर रूट 10/3 होगा फिर, रूट ए ऑप्शन है फिर, टू नहीं है। मेरे पास कुछ और नोट हुआ है, वो क्वेश्चन कुछ और टाइप हुआ है, तभी मिस्टेक है। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट नोट हुआ है भी ये इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना है, तो मुझे ऐसा लगा कि टू भी आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर शायद रूट 10/3 करके देखना पड़ेगा आपको, करके देख लो। मैं हिंट बता देता हूँ, उसमें भी टाइम लग जाएगा मेरे को इतने, फिर कैलकुलेशन अलग है। आप इसे कर क्या रहे हो बस ये बता दो, एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो ये तो पता लग रहा है कि सबको कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर एग्जैक्टली क्या वैल्यूज पुट करनी है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई, मान लो ये एक फिगर है, ठीक, आप अपने कॉन्सेप्ट को खुद लगाना अपने क्वेश्चन पे। मेरे पास ये क्वेश्चन है, मान लो ये कोई फिगर है आपके, इसमें थोड़ा अलग थोड़ा वो बना हुआ, बड़ा बना हुआ इसमें छोटा है, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? बस ये है कि इसका जो रेडियस है, इसमें भी मेरे ख्याल से रेडियस कैपिटल आर गिवन है, ऑफ ट्रैक ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इसके अंदर जो ट्रैक है, अब ट्रैक तो ये भी है, ट्रैक तो ये भी है, तो बेसिकली अंदर वाला ट्रैक है जिसके अंदर, तो ये अगर इसका सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस इज कैपिटल आर, दिस टोटल डिस्टेंस इज कैपिटल आर, ये ट्रैक है जिसके अंदर ये कोई बॉडी मूव करेगी, ठीक। तो कोई भी बॉडी जैसे ये मूव कर रही है, जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक, ये रहा इसका मास स्मॉल एम है, और लेट अस सपोज यहाँ से रिलीज करते हैं, और इसका मास जो है ये कैपिटल एम है, दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, 2 kg 1 kg जो भी आपको इसमें गिवन है, यहाँ तो क्लियर है। इसके अंदर जब ये कोई भी बॉडी यहाँ पर आएगी, इस पॉइंट पर आएगी, तो उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर था सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास ट्रैक को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगी, नहीं टच नहीं कर रहा, ठीक। तो इसके अंदर जब ये मींस ये सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, इधर से ये सेंटर ऑफ मास है, कहने का मतलब ये ग्राउंड को टच नहीं कर रही, तो ऐसे केस में इसका जो रेडियस है, इसका भी पॉइंट मास नहीं ना, प्रॉब्लम ये है, अगर पॉइंट मास होता फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो पॉइंट बना लेते और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है, ये पॉइंट मास नहीं है, और अगर ये पॉइंट मास नहीं है तो ऐसे केस में इसका सेंटर ऑफ मास स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर रहेगा ट्रैक से, ठीक है यहाँ तक, एंड सच दैट अगर आप इसे ग्राउंड मानते हो, ग्राउंड किसी को भी मान सकते हो, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पर एनर्जी लगाएंगे, तो लेट अस सपोज दिस इज ग्राउंड, तो ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से डाउन हो गया यहाँ पे, सच दैट रादर इसको थोड़ा सा ट्रैक को ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, इक्वलेंट ऐसे ऐसे बराबर बराबर, सच दैट ये जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस कवर करता है, डॉट टू डॉट, बस इतना, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है, और स्मॉल आर माइनस करेंगे तो यहां तक का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि कितना आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, यहां तक पहला पॉइंट क्लियर है सर। फिर ग्राउंड ये ले लिया मैंने, ग्राउंड मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी लूं, मैं ये भी ग्राउंड ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये भी ले सकता हूं, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, किसका, नहीं नहीं मैं तो चेंज, मैं तो ये बोल रहा हूं कि यहां से सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया ना, ग्राउंड को टच नहीं कर सकता ना वो, तो पोटेंशियल जी बिल्कुल जीरो नहीं होगी ना यहां पे, तो यहां पर कितनी होगी, एम जी इंटू कैपिटल आर, लेकिन यहां पर होगी एम जी इंटू स्मॉल आर, तो चेंज कितना आएगा, एम जी इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दो बार करने की बजाय मैंने सीधा बोल दिया कि इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू आर माइनस आर। अच्छा तो फिर आप ये बोलना चाहते हो ये ग्राउंड ले लें, अच्छा आप ये ग्राउंड ले लें तो ताकि डिस्टेंस आर माइनस आर हो जाएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, तो यहां पे लोगे तो एम जी कैपिटल आर होगा, यहां पे लोगे एम जी इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है यहां तक। तो इस केस में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट अस सपोज वी जो वेलोसिटी है, मान लो यहां पे इसकी वेलोसिटी वी है, एंड वी इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉल, देखो मैंने रिलेटिव नहीं बोला, मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट है, क्योंकि रिलेटिव का चक्कर डाल लूंगा फिर माइनस करना पड़ेगा मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा, तो वी इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी डैश
इस पूरे बॉडी की वेलोसिटी है, पीछे एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो v इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पर, v डैश इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पर, और जब ये बॉल नीचे आई तो स्मॉल m इनटू v मोमेंटम m1 v1 इज इक्वल टू, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ले रहा हूं तो रिलेटिव नहीं ले रहा, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 सिंपल, तो यहां पर क्या आएगा कैपिटल m इनटू कितना v डैश। तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी की मैंने 1 kg और इनटू कितना स्मॉल v, और ये कितना है 2 kg into v dash, तो पीछे जाने की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी v by 2, तो हाफ वेलोसिटी से ये जो है ये पीछे जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आप ऐसा कर सकते हो कि इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी एंड इस पॉइंट पर जब ये नीचे आ गया टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी सेम। तो ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी एंड बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी विल बी सेम। ए पॉइंट पर एनर्जी बोलो कितनी है, उस स्मॉल m g इंटू कैपिटल r है, ठीक, बॉल की एनर्जी स्मॉल m इंटू g इंटू कैपिटल r है। अगर आपने ऐसे लेना फिर आपको ये लेने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो कह रहा था अगर ये सीधा इसमें लेते हैं, नहीं तो ऐसे कर लो, हाँ ऐसे कर लो, mg इंटू कैपिटल r ले लो, a पॉइंट पर ये एनर्जी है, काइनेटिक तो होगी नहीं उस टाइम, कोई मूव नहीं कर रहा, फिर काइनेटिक तो जीरो है। फाइनली जब ये b पॉइंट पे आ गया तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg इंटू स्मॉल r है, लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी भी इंट्रोड्यूस हो गई इसमें, क्योंकि देर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज कितना होगा एम जी इंटू कैपिटल आर माइनस एम जी इंटू स्मॉल, और जो भी चेंज होगा उसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, कैसे, हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी डैश का स्क्वायर, तो इससे दोनों की उस ब्लॉक वेज की एनर्जी भी और ब्लॉक के जो सिलेंडर है उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल तो ऐड कर दिया बिकॉज ये इनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं, तो अलग अलग एनर्जी को ऐड कर दिया इसमें, तो यहां से mg into capital R minus small r ये इधर चला गया is equal to half into small m into, क्या आपको इनमें से कोई velocity given है, velocity निकालनी है rather आपको, m into mass given है, ये 1 है और ये v का square, half into ये 2 है और into v by 2 का whole square, तो यहां से ये mass कितना है, ये भी 1 है, इसमें 1 put कर लेते हैं, capital R small r put करके check करना जरा क्या answer आ रहा है इसमें v का, उसने रेडियस गिवन है क्योंकि इसमें सिलेंडर का, देता ही ना फिर बोल चुप करके बैठ ही जाता, फिर ऐसे बोलता सिलेंडर है, फिर कोई फैक्ट ना देता वो आपको, तब तब पॉइंट को बस यहीं ले लेते, खत्म, ग्राउंड पे ले लेते, फिर स्मॉल आर जीरो ले लेते, रूट टेन बाई थ्री, टू नहीं आ रहा, सिर्फ रूट टेन बाई थ्री चेक कर लो, क्योंकि पूरे सिस्टम ये पहले रेस्ट पे था, जब ये यहाँ पे था, जब ये यहाँ पे आ गया
तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है और इसकी भी एनर्जी जनरेट हो गई ना, इसकी एनर्जी अपने आप थोड़ी ना हुई, इसकी डिक्रीज हुई एनर्जी पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिली। हाँ, क्योंकि इसको फिर किसने दी? हमने नहीं दी, तो पहले तो ये रेस्ट पे ही था ना जब मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा था, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन टू काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें 2√10/3, अगर 2 नहीं आ रहा तो प्लीज 2 भी लगा लो, तो अगर आ रहा है तो ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से इसमें 2 भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे? नहीं, ग्रेटर देन 45 है, ग्रेटर देन 45, मोर देन 45 आंसर। देखो, जब ये बुलेट चलेगा, जब ये बुलेट चलेगा तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है 45 डिग्री पे चला तो हाँ देख, तो मेरे हिसाब से मोर देन आना चाहिए। देखो चलो, तो मान लो इस केस में ये V से चलता है और ये कितना है, V इंटू कॉस ऑफ 45 और V इंटू साइन ऑफ 45। तो अगर जो बैरल है वो पीछे मूव नहीं करता, जैसे इस केस में कह रहे बैरल ऑफ द गन इज इंक्लाइंड, अगर वो बैरल पीछे मूव नहीं करता या गन पीछे मूव नहीं करती, फिर तो आंसर 45 ही रहेगा, जैसे प्रोजेक्टाइल में किया। आज तक हमने कभी एंगल चेंज किया? लेस देन, कभी नहीं किया। 45 है तो 45 है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं वो गन जो है वो पीछे जा रही है, और जब गन पीछे जा रही है तो लेट अस सपोज दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट जब वो चला विद रिस्पेक्ट टू गन, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये रिलेटिव आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, रिलेटिव आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वाई एक्सिस में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, एक्स एक्सिस में होगा, क्योंकि गन तो पीछे जाएगी, तो इसकी अब नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें से गन की वेलोसिटी को मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट बनाने के लिए भी डिस्कस किया था ना, इसकी अपनी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी में से अगर गन की वेलोसिटी माइनस करेंगे इसकी अपनी वेलोसिटी आएगी, और अगर हम ऐसा करेंगे और गन नीचे तो जाएगी नहीं तो ये वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो अब ये एंगल सपोज कितना बन गया, थीटा बन गया। लेट अस सपोज ये जो एंगल है अब वो कितना बन गया, वो एंगल थीटा हो गया। तो टैन थीटा की वैल्यू पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लगाएंगे तो दिस दैट इज वी आर साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय वी आर इनटू कॉस ऑफ 45 में से कुछ गन की वेलोसिटी भी तो माइनस करोगे कि नहीं करोगे, जब माइनस करोगे डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से आंसर ग्रेटर देन 45 हो जाएगा। लेकिन अगर गन पीछे मूव नहीं करती तो गन की वेलोसिटी वी क्या हो जाएगी, जीरो, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ऊपर नीचे की वैल्यू सेम तो आंसर 45 आ जाएगा। तो इसलिए आज तक हमने आंसर 45 भी बोला, क्योंकि आज तक हमने गन का पीछे वाला केस कभी कंसिडर किया ही नहीं, बस गोली चल गई तो चल गई, ये नहीं है कि गन पीछे गई तो, यानी कि आज के बाद अगर सच में गोली जब चलेगी तो 45 डिग्री पे नहीं चलेगी, अगर आप चलाने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में उससे ज्यादा हाइट अटेन कर लेगी। ठीक, इसका मतलब सच में जो टैंक चलते होंगे 45 नहीं रखते होंगे, थोड़ा नीचे रखते होंगे, क्योंकि नीचे रखेंगे तब जाके वो 45 पे जाएगा और तब जाके वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। मिसाइल चलानी है, बहुत दूर तक फेंकनी है तो 45 से थोड़ा सा कम रख लेंगे, क्योंकि एकदम इंपैक्ट है तो जिस वजह से उसका एंगल थोड़ा उठ जाएगा ऊपर की तरफ।
नेक्स्ट देखो इसमें u की वैल्यू निकालनी है सो दैट m रीचेज द टॉप ऑफ द इंक्लाइन. तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये मान लो इंक्लाइन है एंड सच दैट दिस इज थीटा और इसका मास कितना है 2m है. इसकी जो हाइट है वो कितनी है वो h है और इस केस में ये ग्राउंड है और ये मास कितना है m एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना u. तो फाइंड वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी ऑफ यू सो दैट अगर ज्यादा कर दोगे फिर टॉप तो छोड़ो फिर तो उड़ता हुआ आगे चला जाएगा. तो कम से कम होनी चाहिए कि बस वो इसके ऊपर आके रुक जाए. लेकिन ये मूवेबल है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली जब ये इसको कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये भी साथ में मूव करेगा. ये मोमेंटम जो है इसका ये ना कुछ वैसा हो जाएगा जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता दो बॉडी स्टिक हो जाती हैं फिर इकट्ठी चल पड़ती हैं. जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आया इकट्ठे हो गए ना ठीक है वो इसके अंदर चल रहा है चलने दो पर अदरवाइज दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी. ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें फिर से इनकी देखो ऐसा होगा कि कॉमन मींस अच्छा ऐसे बोलो वेज विल अटेन सम वेलोसिटी क्योंकि वो छोटा मास तो ऊपर जाके रेस्ट पे आ जाएगा फॉर एन इंस्टेंट तो उस टाइम ब्लॉक विल बी कैप हाँ ट्राइंगल विल बी मूविंग उस टाइम दे विल अटेन अ कॉमन वेलोसिटी. इसका आंसर आ रहा है रूट थ्री जी एच. तो जब ये एम यहां से यहां पे आ जाएगा क्योंकि उसके बाद तो उसने कहा कि वो रेस्ट पे आ जाए ना तो उसके बाद वो इकट्ठे मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट ठीक. तो इसमें इसके अंदर जब ये इनिशियली मूव करता था तो ये तो ट्रायंगल मूव कर नहीं रहा था फिर ये इकट्ठे दोनों के दोनों जब ये यहाँ पर आ गया फिर ये पूरा सिस्टम इधर चल पड़ा विद सम वेलोसिटी ऑफ वी. तो एम इंटू यू इज इक्वल टू थ्री एम इंटू वी एम से एम कैंसल वी इज इक्वल टू कितना यू बाय थ्री. तो इतनी वेलोसिटी से ये इकट्ठे मूव करेंगे. ठीक. कब जब छोटा एम उसके ऊपर आके रुक जाएगा. अब जब छोटा एम इसके ऊपर आके रुकेगा तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन. अब जब इसने इसको हिट करना था अभी किया नहीं है रेस्ट पे है तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी हाफ एम यू स्क्वायर बस एक इसी की एनर्जी थी और ये तो इसकी तो कोई एनर्जी थी नहीं बस इसी की एनर्जी थी इसकी कोई एनर्जी नहीं है. और जब ये स्मॉल एम यहां पर आ गया तो कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो गई इसकी
एमजीएच पोटेंशियल, और साथ में दोनों के दोनों इकट्ठे चल भी रहे हैं, रुके तो है नहीं, इकट्ठे चल रहे हैं। इकट्ठे चलने का मतलब m प्लस टू एम आर मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ v, इसकी तो पोटेंशियल है ही है। वेज तो पहले ग्राउंड पे है, इसमें तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। वेज में ट्राइंगल तो वैसे पहले भी ग्राउंड पे था, अब भी ग्राउंड पे मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। छोटा मास जो है वो ऊपर चढ़ गया बाय हाइट ऑफ है, तो उसकी एक तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, साथ में दोनों ने काइनेटिक भी इंक्रीज कर ली, तो ये सेट ऑफ फाइनल एनर्जीज है, ये इनिशियल है। तो यहाँ से हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ इंटू थ्री एम, तो यहाँ पर आएगा थ्री एम, और कैपिटल वी की जगह क्या आएगा यहाँ पर, यू बाई थ्री का होल स्क्वायर, यू बाई थ्री का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ इंटू थ्री एम इंटू यू स्क्वायर बाई कितना, नाइन एम, एम एम क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, यू की। चेक कर लो यू कितना आ रहा है इसमें, अंडर रूट ऑफ थ्री जी एच आंसर। सिक्स क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कर ही लिया था, इसको नहीं करेंगे, ए आंसर है इसका, क्योंकि मैंने बताया स्लिपिंग नहीं लेनी, इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो इनकी सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन दोनों की कॉमन रहेगी, ये नहीं करना, उससे नेक्स्ट करना है सेवंथ का आंसर। बहुत लंबा देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये एक ऐसा ट्राइंगुलर वेज गिवन है, अगेन ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, ये ब्लॉक है, पुली ब्लॉक ऐसे क्वेश्चन हम करते थे, ये 60 डिग्री, इस तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू साइन ऑफ 30, और इस तरफ क्या होगी, जी इंटू साइन ऑफ कितनी 60, ऐसे होगा एम जी साइन 30 एम जी साइन 60 कुछ इस तरीके से, ठीक है यहाँ तक।
और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप वो एम जी साइन थीटा टेंशन लगा के सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है यहाँ तक। पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू बाई एम वन प्लस एम टू। तो फिर देखो जरा, एम वन ए वन हिंट दे सकता हूँ, आप ये मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। तो अब देखो इसमें आंसर कैसे करेंगे, आंसर ए आ रहा है। कैसे किया, पहले ए निकाला, एक्सेलेरेशन निकाली दोनों साइड्स की, पहले सिंपल एक्सेलेरेशन ए निकल गई, तो यहाँ टेंशन टी लगा के, टेंशन टी लगा के पहले ए निकालो, ए चेक करो किसके इक्वल आ रहा है, रूट थ्री माइनस वन बाई फोर इंटू जी, कुछ ऐसे ए की वैल्यू आ रही है इसमें, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं आ रहा, दिस माइनस टी इज एम ए, टी माइनस दिस इज एम ए आना चाहिए इसमें, आ रहा है कितने लोग आ रहा है, ठीक है फिर तो ठीक है। तो इसमें एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, आपको एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है विच इज इक्वल टू एम वन इंटू ए वन वेक्टर प्लस एम टू इंटू ए टू वेक्टर बाय एम वन प्लस एम टू। तो मास तो इसका एम है, एक्सेलेरेशन के लिए काम करते हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसकी एक्सेलेरेशन में क्या पुट करेंगे, रूट थ्री माइनस वन बाय फोर इंटू जी आई कैप, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, लेकिन जो सेकेंड पार्टिकल है एम उसका मैग्नीट्यूड तो यही पुट करेंगे जो पुट करना है, लेकिन पीछे क्या पुट करेंगे, माइनस जे कैप, क्योंकि वो वाई है तो ये माइनस जे है, ठीक। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, कि प्लस आएगा इसमें क्यों, पर जा तो ऊपर रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो फिर एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, कोई भी एक नेगेटिव कोई भी एक पॉजिटिव पुट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो चाहे तो ये मान लो ये नीचे आ रहा है, चाहे ये मान लो ये ऊपर आ रहा है, कोई भी एक चीज माननी पड़ेगी आपको, इन एनी केस कुछ भी मान लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि यहां पर चाहे आई कैप माइनस जे कैप आए, चाहे आई कैप प्लस जे कैप आए, उसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो अंडर रूट ऑफ टू ही निकलेगा, हमें तो मैग्नीट्यूड मार्क करना है ना, तो मैग्नीट्यूड के अंदर जब हम इसको मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो पूछी नहीं है और डायरेक्शन बता भी नहीं सकते कि कौन भारी कौन हल्का है, मुझे क्या मालूम कि कहाँ मूव करेगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2m, तो यहाँ से कॉमन आएगा, m कॉमन आ गया, रूट थ्री माइनस वन बाय फोर इंटू जी भी कॉमन आ गया, आई कैप माइनस क्या बचेगा, जे कैप बचेगा, m से m क्या हो गया, कैंसल, या कैंसल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास रूट थ्री माइनस वन इंटू जी बाय ये 8 हो जाएगा, 8 या ऐसे कर लो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या देगा आपको, रूट टू देगा, 1 कोफिशियंट का स्क्वायर, 1 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां से रूट थ्री माइनस 1 इंटू जी बाई 4 इंटू क्या आएगा, रूट टू आ जाएगा, तो ये ऑप्शन बनेगा यहां से। हाँ अगर डायरेक्शन पूछ लेता तो सोचना पड़ता, बताना पड़ता कि किस तरफ कौन जा रहा है, और फिर उसको एक्सिस भी मेंशन करना पड़ता, ये तो मेरी अजम्पशन है एक्सिस ऐसे हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऐसे हैं, ठीक। एक और भी तरीका, अगर ऐसे नहीं करना तो ये ए है, ये ए है,
ए एंड ए का एंगल आपस में 90 है, चेक करो 60 30 तो 90 होगा ना, तो दो एक्सेलेरेशन 90 डिग्री पे हैं, तो अंडर रूट ऑफ ए मास प्लस ए टू स्क्वायर नेट एक्सेलेरेशन सिस्टम की आंसर वही आएगा रूट टू की फॉर्म में, पर ये ज्यादा बेटर है। इसमें डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन बता सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एक्सेस मेंशन हो। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एट्थ, बी आंसर है इसका, बी। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि एक पुली है, इस पुली में ये एक मास M है, यहां पर एक लैडर है, ये लैडर है, लैडर का मास जो है या इसके ऊपर एक मैन है, ये मैन है, मैन का मास स्मॉल M है, स्मॉल M है, सिस्टम रेस्ट पे है, और अगर सिस्टम रेस्ट पे है और ये कैपिटल एम है, रादर ये कैपिटल एम ले लेते हैं, ये कैपिटल एम है क्योंकि वो कह रहा है कि जो एंड है वो कैपिटल एम ऑन दी वन साइड और मैन का जो मास है लेट अस सपोज वो स्मॉल एम है, तो इसका क्योंकि अगर ये रेस्ट पे था पूरा सिस्टम तो कैपिटल एम ये टोटल मिला के कैपिटल एम होना चाहिए, तभी रेस्ट पे रहेगा पूरा सिस्टम। जब मैन चल नहीं रहा, जब मैन चल नहीं रहा फिर तो काउंटर बैलेंस्ड है, तो बोलो लेडर का मास कितना होगा ताकि एम और एम आपस में बैलेंस कर गए। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये रेस्ट पे पड़े हुए हैं, इसको और नीचे कर लो ताकि लगे कि रेस्ट पे है, मैन ने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब सिस्टम हिलेगा, सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, और मैन जो ऊपर चढ़ रहा है क्वेश्चन में गिवन है, मैन की ऊपर जाने की जो कि नीचे आ रहा है लैडर मास एम काउंटर बैलेंस द मैन क्लाइम्स विद द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ आर, ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि मैन क्लाइम विद द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ आर, वेलोसिटी से वो क्लाइम करता है तो वो ऊपर जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ आर, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम की क्या होगी। ठीक है यहाँ तक। रूल एक ही है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो इसमें कितने मासेज हैं, तीन, एम लैडर का मास, मैन का मास, ठीक, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 कर सकते हो, तो मैं आपको एक मिनट देता हूँ, ट्राई कर लो। पहले लैडर के लिए वेलोसिटी, इसकी कोई भी वेलोसिटी एज्यूम कर लो V है, तो ये पूरी की पूरी लैडर नीचे आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ V, अगर ये V है तो ये भी V है, मैन के लिए आप खुद कैलकुलेट करना जो भी करना है, और यहाँ ऊपर जाने की वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लो और जो नीचे की वेलोसिटी है उनको नेगेटिव, वेक्टर है ना V1 वेक्टर V2 वेक्टर V3 वेक्टर, अब कर सकते हो तो कर लो।
बस वैल्यू पुट करनी है। ये एज्यूम किया है मैंने वी एंड वी, ये आपको एलिमिनेट अपने आप होती हुई दिखाई देगी इसमें, क्योंकि इसका मोमेंटम एम वी, इसका मोमेंटम एम वी आपस में कैंसिल होगा उसमें फॉर्मूले में। इसका आंसर बी आ रहा है, बी है। आगे आंसर ऐसे, हाँ क्योंकि एम वी एम वी तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा तो एम इंटू वी आर ही बचेगा। तो मैंने इसको ऐसे किया कि जो कैपिटल एम है उसकी वेलोसिटी को मैंने कैपिटल वी ले लिया, ये स्टेप क्लियर है ठीक। अब लैडर की बारी, लैडर का मास बोलो एम माइनस एम, इसकी वेलोसिटी की जगह माइनस वी, ये स्टेप क्लियर है। लैडर एम माइनस एम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब माइनस वी। अब बात करते हैं मैन की, मैन का मास है छोटा एम। अब प्रॉब्लम ये है ये इनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं, और मैन की कौन सी वेलोसिटी गिवन है, रिलेटिव गिवन है। तो रूल बताया, रिलेटिव वेलोसिटी और लैडर की वेलोसिटी में से अगर माइनस कर दोगे तो ये मैन की कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, एक्चुअल आ जाएगी। मैन को लग रहा है कि उसकी वेलोसिटी वी आर है, लेकिन लैडर नीचे जा रही है, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, वी आर माइनस वी। तो यहां से डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, कैपिटल एम प्लस एम माइनस एम प्लस स्मॉल एम, ऑब्वियसली कितना, जरा सॉल्व करना, एम वी से कैंसिल होगा, और चेक करना बी ऑप्शन आ रहा है, डन। फिर आगे आंसर ठीक सॉल्व करोगे बी ऑप्शन आएगा। सो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि ये एक ट्राइंगल है सच दैट ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, पुली और दो मासेस गिवन है, और सच दैट ये जो दो मासेस हैं यहाँ पर, ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो ब्लॉक है ये तो 45 डिग्री है ही है, ये जो ब्लॉक है ये 10 सेंटीमीटर्स नीचे आ जाता है, तो आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज सी, जो सी है जिसका मास 2m है, ए का मास 2m है और ए का मास इसमें m है, तो ये 2m वेज कितनी पीछे चला जाता है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि जब सिस्टम आगे आएगा तो ये वेज पीछे आएगा, फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये 10 सेंटीमीटर आगे आता है
तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, 10 इंटू कितना, ये 45 डिग्री है, कॉस ऑफ कितना 45, तो ये पीछे चला जाएगा बाय डिस्टेंस ऑफ कितना x, क्योंकि मोमेंटम जो है वो x एक्सिस में ही कंजर्व होगा, y एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो x एक्सिस के अंदर मोमेंटम कंजर्व होगा इसमें, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी मैंने किसके अलॉन्ग ले लिया, अलॉन्ग x एक्सिस ओनली। तो पूरा एक्सिस आपको x ही मेंटेन कर रखना है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर इस प्लेन में नीचे जा रहा है तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो इसमें इंटरेस्टेड है कि 10 सेंटीमीटर वो x एक्सिस के अलॉन्ग पीछे जा रहा है, जिस वजह से वेज x में पीछे जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो इस केस में जो 2m मास है वो, और हाँ इसको इस केस में आपको क्या गिवन है, 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 1 बाय रूट 2, तो आपके पास 10 बाय क्या आ गया, रूट 2 आ गया। ठीक, कितना, 5 रूट 2, तो यहाँ पर 10 बाय रूट 2, तो यहाँ पर 5 रूट 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें आपको क्या करना है, जब ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर 5 रूट 2 आगे आया तो वेज इसे पीछे नहीं ले गया बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, जब ये 5 रूट 2 आगे की तरफ आया तो वेज इसे पीछे ले गया बाय सम डिस्टेंस, सच दैट एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू। याद है वो वाला क्वेश्चन किया था हमने क्लास में, एक इंक्लाइन प्लेन था, एक ब्लॉक नीचे आता था तो वेज पूरे का पूरा पीछे जाता था, और हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा इसमें। तो या तो ऐसा कर लो, इसमें सेंटर ऑफ मास निकाल दो एक्स एक्सिस के अलोंग, और सेंटर ऑफ मास के अलोंग आप बोल दो कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जीरो कर दो, या ऐसा कर दो कि जो 2m है, 2m वो तो एक्स डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हो गया, इधर डिस्प्लेस हो गया, और इसमें जो ब्लॉक है 5 रूट टू राइट की तरफ है, लेकिन लेकिन वेज की वजह से वो पीछे भी आ रहा है माइनस एक्स, तो 5 रूट टू माइनस एक्स, इतनी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी डिस्प्लेसमेंट 5 रूट टू माइनस एक्स। ठीक, और इसका जो मास होगा वेज के ऊपर, कितने मासेस हैं, दो ब्लॉक्स हैं, दोनों के साथ सेम स्टोरी है, तो यहां पर क्या आएगा 3m, m प्लस 2m यानी कि 3m, तो m1 x1 इज m2 x2। ये वही क्वेश्चन है जो एक बार याद करो हमने ऐसे किया था कि ये जब यहां से यहां जाता है तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इधर शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ये मान लो 2.2 था, आपको याद होगा उस क्वेश्चन में, और ये x शिफ्ट होता है तो ये डिस्टेंस कितना आता था 2.2 माइनस, ये सेम है इसमें 5 रूट 2 माइनस एक्स, सेम क्वेश्चन है। तो मतलब उसमें बस एक ब्लॉक था, इसमें दो ब्लॉक्स हैं, तो इसमें दो ब्लॉक्स का मास ऐड कर लिया, उसमें एक ही ब्लॉक था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें सेम रहेगा कि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो अगर ये सिस्टम इधर चला गया बाय एक्स और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करने के लिए इसमें से एक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक वैसे ही जैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस करते थे, वैसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट भी इसकी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक तरह से इसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू विच, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाने के लिए आपने इसमें से क्या माइनस किया, एक्स। मतलब इस ब्लॉक को लगा कि मैं 10 सेंटीमीटर आगे आ गया, इसको लगा कि मैं 10 सेंटीमीटर आगे आ गया, इसको ये नहीं पता कि वेज इसको वापस से पीछे ले आया है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 5 रूट 2, जिसकी बात भी माननी पड़ेगी, में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्स। तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट उतनी ही रहेगी। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जितने भी वेज वाले क्वेश्चंस हैं, वेज के ऊपर ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन हैं, उसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। लगा रहे हैं एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, इसमें हम ये लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं मास 5m क्यों नहीं लिया, मैं इसमें ये लगा रहा हूं x सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके अंदर ये तो मूव नहीं करेगा x एक्सिस में, m1 की जगह ट्राइंगल वेज है, सी ब्लॉक है, जो कितना डिस्प्लेस कर गया बाय माइनस x सेंटर ऑफ मास से,
वो दोनों ब्लॉक्स का टोटल सम कितना है, 3m। ये आगे की तरफ कितना चले गए, इतना चले गए, डिवाइडेड बाय कितना, 2m प्लस 3m, यानी कि जीरो हो गया। ऐसे लगाया एक्चुअल में, ये एक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का इसका 2 बजे तक, तो तुम 10 मिनट और लगा लो। क्लास है चंडीगढ़ में कितने बजे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या रूल लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक स्ट्रिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग है, ये ए स्ट्रिंग है या ए पॉइंट है, और ये स्ट्रिंग टेढ़ी मेढ़ी है, और इसके ठीक नीचे एक बी पॉइंट है, एक रस्सी है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, लेंथ इसकी कितनी है, एल है। मैं बी एंड को यू वेलोसिटी से खींचता हूँ, पुल करता हूँ। अब ए तब तक नहीं चलेगा जब तक ये स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाती, अभी तो इसमें बल पड़े हुए हैं ना, जब ये टाइट होगी तब पीछे वाला ब्लॉक भी साथ चलेगा, नहीं तो मूव करते रहो थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, वैसे 12 गिवन है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इसके इसमें एल है, और द पार्टिकल एट एंड बी इज प्रोजेक्टेड अक्रॉस द टेबल विद द स्पीड ऑफ यू, यू स्पीड के साथ हमने इसको यहां खींचा, परपेंडिकुलर टू ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट, ए की वेलोसिटी बतानी है इमीडिएटली जैसी रस्सी टाइट हो जाती है, जैसी रस्सी टाइट होती है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये ए ये बी, आप इसको खींचते जा रहे हो ऐसे 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 इस तरीके से, तो कभी ना कभी तो टाइट होगी, और जब ये टाइट होगी तो इसकी वेलोसिटी यू थी, एकदम टाइट होगी, अब ये भी चल पड़ेगी, ठीक है, तो ये टाइट दिखा दी मैंने इसमें, और सच दैट इस क्वेश्चन के अंदर ये जो लेंथ खुल के आएगी वो कितनी आएगी, 12, और ए और बी के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना था, शॉर्टेस्ट एल, पहले बी यहाँ पर था ना, अब यहाँ पर आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना पहले, एल, ठीक। तो ये 90 डिग्री है, तो मुझे पता है कि अगर ये एंगल थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एल डिवाइडेड बाई 2l, हाफ थीटा कितना आएगा, 60, थीटा 60 तो ये कितना आएगा, 30, ये 60 आ गया तो ये कितना आ गया, 30। तो इसमें इस स्ट्रिंग को ऐसे एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये भी 30, तो वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स है, यू इंटू कॉस ऑफ 30 और एक परपेंडिकुलर यू इंटू साइन ऑफ 30। एक मिनट बस, एक खत्म ही कर दूं। तो इसमें ये टाइट हो गई, जब ये टाइट हो गई तो अलोंग एक्सिस ए बी, ए बी एक्सिस के अलोंग, लेट अस सपोज इसकी यहां पे वेलोसिटी फाइनल कितनी है, वी, और ए बी एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस 30, तो ए बी के अलोंग हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली जो बी पॉइंट है, इनके मासेस कितने गिवन है, ईच ऑफ मास एम गिवन है, तो बी पॉइंट का मोमेंटम कितना है, एम इंटू यू इंटू कितना, कॉस ऑफ 30, एम इंटू यू इंटू कॉस ऑफ 30, और वो दोनों मासेस टोटल मास कितना है इसका, 2m, इकट्ठे चल पड़ेंगे विद अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ कितना, वी। तो देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनिशियली मोमेंटम इससे जनरेट करना है इसके अलोंग, तो जो कि क्या होगा, एम इंटू दिस, लेकिन फाइनली इकट्ठे मूव करेंगे, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एंड दे विल अक्वायर अ कॉमन वेलोसिटी v, फिर ये और ये टाइट हो गई ना, स्ट्रिंग टाइट है तो दे विल अक्वायर अ कॉमन वेलोसिटी v, तो कॉमन वेलोसिटी 2m इनटू क्या हो जाएगा, v, और यहां से यू कैन कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी v।
अगर आप ये कहोगे मैं कोई और एक्सेस लूंगा, आप करके देख लो आपका आंसर आता है तो ठीक ठीक है, होगा नहीं कोई और एक्सेस, बनेगा नहीं।